नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बार फिर से बिहार में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और इसको लेकर के जिला प्रशासन भी सतर्क हो गई है। इस वक्त हम जो है पटना के बीरचल पटेल पथ में है और यहाँ जो है पुलिस का धावा दल, यानी कि धावा दल जो है लगातार जारी है और वो जो है बड़े बड़े लाउड स्पीकर से लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। जो पुलिस विभाग जो है उसके द्वारा लगातार जिला प्रशासन के द्वारा अलर्ट किया जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और जब भी आप बाहर निकलें तो मास्क का उपयोग जरूर करें। मास्क नहीं लगाने पर अब फिर से पटना में 50 रुपये का फाइन जो है वसूला जाएगा। इसको लेकर के हर जगह जो है जानकारी दी गई है और कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जो भी भीड़ भाड़ के इलाके हैं या सार्वजनिक जगह पे आपको मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 50 रुपये का फाइन फिर से जो है वसूला जाएगा। तो एक बार फिर से कोरोना वायरस ने बिहार में दस्तक दी है, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी तैयारी कर दी है। क्या क्या कहे जा रहे हैं? कहना है कि घर से निकले मास्क लगा के ही निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानदारों से आगाह है कि मास्क लगा के ही रहें। दुकानदारों को सैनिटाइजर रखना जरूरी है, अन्यथा नहीं रखने पे जुर्माना मजबूरन 50 रुपये का वसूला जाएगा। बड़े बड़े मॉल हो, ये सबको सील किया जा सकता है। देखिए, सील किया जा सकता है अगर जो नियम बनाए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर के। अगर आप मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मास्क पहन के नहीं जाते हैं, धावा दल अगर पकड़ती है तो ऐसे में जो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, उसे जो थिएटर्स हैं उसे सील किया जा सकता है। और सभी लोगों का कहना है, मतलब और अन्य लोगों के लिए भी जो जनता है, आम नागरिक है, उनके लिए भी आदेश दिया गया है कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग जरूर करें, मास्क लगा करके ही निकलें, अन्यथा पकड़े जाने पर 50 रुपये का जो है फाइन हो सकता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले में जो पूरे देश में फिर से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में बिहार सरकार इस मामले को लेकर के सतर्क नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अभी बिहार में आंशिक लॉकडाउन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार इस पर समीक्षा करेगी। अब देखिए, जब समीक्षा हुई है तो कोरोना वायरस को लेकर के सरकार अलर्ट है और अलर्ट होने के साथ ही कह रही है कि अब जब भी आप बाहर निकले मास्क लगा करके निकले, सैनिटाइजर, ताकि कोरोना वायरस पर फिर से रोकथाम की जाए, पूरे वायरस को कंट्रोल किया जा सके। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुका है जरूरत पड़ने पे घर से बाहर निकले, मास्क जरूर पहने, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी का पालन करें। मास्क नहीं लगाने पे 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, ताकि कृपया घर से बाहर, अन्यथा काम पड़ने पर ही निकले, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सामाजिक दूरी बना के ही रहें, मास्क जरूर पहने। उनके दुकान प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा और उन पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस का पूर्ण आगमन हो चुका है, मास्क लगा के हैं घर से बाहर निकले। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।